डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जिंदा। लेकिन संविधान हम नहीं पढ़ते, या तो ज्यादा करके नहीं पढ़े तो कुछ लोग। सबसे पहले सभी को जय संविधान, जय भारत, जय भीम। मेरा नाम मुकेश कुरिल है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ और जलगांव से मैं निकला हूँ मेरी साइकिल द्वारा दिल्ली जाने के लिए। मेरे अभियान का नाम है संविधान साक्षरता अभियान, जो कि कुल 1800 किलोमीटर का ये मेरा साइकिल का अभियान है। और मैं जलगांव से निकलते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ऐसा जाऊंगा। लखनऊ होते हुए मैं दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब जी को मैं अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु मानता हूं। उनको वंदन करते हुए मैं वहां से लखनऊ होते हुए दिल्ली जाऊंगा। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, विनंती है कि आप संविधान पढ़े और हम लोग सभी उसी अभियान का प्रचार प्रसार करते कि व्यक्तिगत स्वरूप से हमारे द्वारा संविधान ये पढ़ा जाए। दिल्ली जाने का मेरा उद्देश्य जो है, रास्ते में सभी शहरों में जाते हुए सब लोगों से मिलते हुए उन्हें संविधान का प्रचार का अभियान का उनका मार्गदर्शन करना और उनसे अपने सुझाव लेना, और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम लोग एक विनंती करने वाले हैं, जिसमें हमने उनसे विनंती की है लिखित रूप में कि भारत के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आपके पंचायत का ऑफिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो, यहाँ पे संविधान की प्रत बाहर प्रथम दर्शनी स्तर पर रखी जाए, जिसकी वजह से वहाँ आने वाला व्यक्ति, विद्यार्थी, सामान्य व्यक्ति उस संविधान को देख सके, छू सके, उसे पता चले कि ये मेरे देश का संविधान है और मेरा देश का पूरा कार्यभार ये जो संविधान पे चलता है। इससे यह होगा कि हमारा देश जब संविधान पढ़ने लगेगा, हमारा सामान्य आदमी जब नियम को, कानून को जानेगा, तो वह एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा और सही मायने में हमारा देश प्रगति करेगा। ये मेरी इसमें धारणा है और ये काम हम सब करते हैं। इस अभियान के लिए मुझे सभी का सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और रास्ते में बहुत जो हमारे समाज बांधव संविधान को मानने वाले लोग हैं, सभी मुझे मदद भी करते हैं, मेरे रहने खाने की बंदोबस्त करते हैं और इस तरह से मुझे कोई कठिनाई अभी तक नहीं आई है। इसका श्रेय मैं सभी संविधान प्रेमियों को दूंगा जो मुझे रास्ते भर में मदद। तकरीबन ये मेरा 1800 किलोमीटर का सफर है, तो मैंने खुद को 100 किलोमीटर एक दिन में चलाने का प्रयास किया, तो मैं तकरीबन 100, कभी 80, कभी 120 किलोमीटर चलाता हूँ। और ये दो गांव के बीच का अंतर होता है, कभी कम ज्यादा होता रहता है, तो मैं तकरीबन 100 किलोमीटर रोज एक साइकिल चलाता हूँ। ये मेरे साइकिल द्वारा तकरीबन 8 घंटे मेरे साइकिल का प्रयास होता है, जिसमें मैं आराम से साइकिल चलाते हुए लोगों से मिलते हुए जा रहा हूँ। 18 दिन मुझे लगेंगे जलगांव से दिल्ली जाने के।